हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग। मेरा नबील, आया 17.3 जो है ये अपडेट आया था मंडे को। आज फ्राइडे है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हो सकता है फ्राइडे या सैटरडे को आपको ये वीडियो देखने मिल जाए। 17.3 का ये रिव्यू वीडियो है, 17.3 जो कि 700 से 800 एमबी का एक अपडेट है, बड़ा अपडेट है इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, जिसमें स्टोलन डिवाइस प्रोटेक्शन सबसे बड़ा फीचर निकल के आया है। और ये फीचर कैसे काम कर रहा है, सही है गलत है, बैटरी लाइफ कैसी है, नेटवर्क परफॉर्मेंस कैसा है, ऐप क्रैशिंग है या नहीं, ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा, हीटिंग कैसी है, सब इस वीडियो में आपको समझ में आने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए, क्योंकि स्किप करने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे वीडियो ठीक से तो आपको समझ में आ जाएगा अपडेट आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप लोग वेट करते हो और चार दिन में इनको अच्छे से इस्तेमाल किया, बैटरी ड्रेन की पूरी, और यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपडेट करने लायक है या नहीं है। 17.3 के अंदर जो बैटरी की अभी स्टेटस है करेंटली मेरा, वो है 6%। अब ये कितनी चली है, तो ये 1.5 दिन से ज्यादा चली है। कैसे मैं बता दो आपको, सेटिंग में चलता हूँ लेके आपको, यहाँ पे जाते हैं बैटरी में, बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग में जाते हैं, 100% मैक्सिमम कैपेसिटी है। चार्जिंग ऑप्टिमाइजेशन को मैंने नन पे करके रखा है, ये नन पे नहीं होना चाहिए, 80% के लिमिट पे सेट होना चाहिए। मैं आपको पहले बता चुका हूं मैंने नॉन पे क्यों किया था, क्योंकि यहां पे मैं चाहता था कि ये फुल कैपेसिटी पे चार्ज हो जाए 100%, ताकि मैं आपको बता सकूं कि बैटरी लाइफ एक्चुअली कितनी निकल के आ रही है। अगर 80 करता तो एग्जैक्टली बैटरी लाइफ जो है वो समझ में यहां पे नहीं आती। अब लास्ट 24 आवर्स का हमको नहीं देखना है यहां पे, जो बैटरी का टाइमिंग है, स्क्रीन एक्टिव टाइम है, क्यों, क्योंकि 24 आवर्स से ज्यादा मैंने इसको इस्तेमाल किया एक ही चार्ज पे। तो देखिए, थर्सडे नाइट को 12:30 बजे एक्चुअली मैं निकाल देता हूं, लेकिन फुल चार्ज हुआ नहीं था, कुछ काम में बिजी था, थोड़ा भूल गया, लेट लगाया मैंने चार्जिंग पे, तो 12:30 बजे मैंने इसको चार्जिंग से जो है हटाया था। और उसके पहले मैंने इसको यूज भी नहीं किया था थर्सडे को, जब थर्सडे की जो 12 बजे की रात शुरू होती है उसकी बात कर रहा हूं मैं, तो थर्सडे का पूरा दिन, मतलब थर्सडे को 12 बजे रात के लेकर फ्राइडे रात के 12 बजे, और फ्राइडे आज बज रहे हैं 4:30 बजे शाम के, तो 40 आवर्स से भी ज्यादा, 40 आवर्स 30 मिनट जो है मैं इसको इस्तेमाल ऑलरेडी कर चुका हूं, 1 घंटा और जो है ये फोन चल जाएगा। तो इतनी आउटस्टैंडिंग बैटरी लाइफ जो है निकाल के दे रहा है, लेकिन एक्चुअली कितना यूज हुआ क्या हुआ वो हम देखते हैं अभी। सबसे पहले देखते हैं थर्सडे का, क्योंकि थर्सडे को रात के 12 बजे से शुरू हो गया हमारा टाइमिंग, तो यहाँ पे थर्सडे का जो पूरा दिन है उसमें 2:07 का स्क्रीन एक्टिव टाइम था। मैं ट्रैवल भी कर रहा था थर्सडे को, तो बहुत ज्यादा मैंने जो है स्क्रीन को एक्टिव रखा, मतलब वीडियोस वगैरह के मामले में, लेकिन मैंने गूगल मैप्स भी इस्तेमाल किया है, यूट्यूब इस्तेमाल किया है, व्हाट्सएप इस्तेमाल किया है, थोड़े बहुत सोशल मीडिया एप्लीकेशन इस्तेमाल किए हैं, फोटोज जो है फोटो गैलरी वो देखा है, कैमरा का भी इस्तेमाल किया है वीडियो वगैरह लेने के लिए। तो इस तरीके की जो है मुझे बैटरी लाइफ थर्सडे को देखने मिली, ज्यादा यूज करना चाहिए था बट मैं कर नहीं पाया कुछ वजह से, जैसे मैंने बताया आपको, मैं कार वगैरह में ट्रैवल कर रहा था तो इतना यूज नहीं होता है। और फ्राइडे को, यानी कि आज का दिन जो है, क्योंकि मैं घर पे ही था, तो मैंने 3 घंटे का जो है स्क्रीन एक्टिव टाइम इससे निकाला, तो थर्सडे को 2 आवर्स और यहाँ पे 3.5 घंटे या 3 घंटे पकड़ लेते हैं, तो टोटल जो है 5 आवर्स का स्क्रीन एक्टिव टाइम विद 40 आवर्स प्लस ऑफ बैटरी लाइफ। अब यहाँ पे ये स्क्रीन एक्टिव टाइम कम है, ज्यादा हो सकता है 7 से 8 घंटे का होता है, लेकिन उस मामले में फिर बैटरी लाइफ जो है या बैटरी का जो एंड्योरेंस बोल सकते हैं आप, वो 36 आवर्स का हमको मिलता है यहाँ पे, क्योंकि मेरी कुछ मजबूरी थी जिसकी वजह से मैं नहीं यूज कर पाया इतना, इस वजह से 5 आवर्स के आसपास का जो है स्क्रीन एक्टिव टाइम, लेकिन 40+ आवर्स की बैटरी लाइफ ये फोन निकाल के दे रहा है। अब इसके अंदर फ्राइडे को मैंने देखिए क्या क्या यूज किया, ट्विटर जो है यूज किया, इंस्टाग्राम, ये सब बहुत ज्यादा बैटरी कंज्यूम करते हैं, कैमरा भी इस्तेमाल किया गया है, और मैंने ये कैप्शंस ऐप जिससे हम वीडियो को कैप्शंस बनाते हैं वो सब भी यूज किया, तो अच्छा खासा यूज होता है मेरा, और ये तरीके की आपको बैटरी लाइफ निकल के आती है, विच इज वेरी गुड। तो यहाँ पे बैटरी लाइफ से रिलेटेड या बैटरी ड्रेन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम मुझे iOS 17.3 के अंदर नहीं आया। अगली चीज है दोस्तों हीटिंग, इस वाले अपडेट के अंदर हीटिंग इशू बिल्कुल ना के बराबर था, वही चार्जिंग पे लगाते थोड़ा बहुत हीट होता है, आउटडोर्स में कैमरा यूज करेंगे थोड़ा बहुत हीट होता है, उसके अलावा नॉर्मल डे टू डे यूज में कोई भी हीटिंग वगैरह इस फोन के अंदर मुझे देखने नहीं मिली, तो हीटिंग के मामले भी सेफ है, इस वजह से ही बैटरी लाइफ अच्छी मिली। अगर हीटिंग ज्यादा होगी तो बैटरी लाइफ ऑब्वियसली बात है कम निकाल के देने वाला फोन, तो हीटिंग के मामले भी आप बेफिक्र हो के ये अपडेट कर सकते हैं, हीटिंग जनरल यूजेज में आपको देखने नहीं मिलेगा इसमें। स्टोरेज आपको याद होगा मैंने वीडियो बनाने के टाइम बताया था कि स्टोरेज जो है बढ़ गई है इस अपडेट में, तो अभी फिलहाल क्या कंडीशन है स्टोरेज की वो भी चेक कर लेंगे। सेटिंग जनरल आईफोन स्टोरेज में जाते हैं, यहाँ पे इसको लोड होने देते हैं, लोड भी देखिए इंस्टेंटली हो जाता है, कोई इशू नहीं है। सिस्टम डेटा फैंटास्टिक तरीके से मैनेज्ड है, 1.07 GB है, और ये फ्लक्चुएट होता है, आपका 10 GB हो सकता है, 5 GB, डरने वाली बात नहीं है, लेकिन मेरा फोन अच्छे से मैंने ऑप्टिमाइज रखा है, तो यहाँ पे सिस्टम डेटा भी जो है ऑप्टिमाइज, और यहाँ पे मेन चीज जो है कि iOS अपडेट जो आई है वो सही आई है, इस वजह से ये भी प्रॉपर है, इतना भी ठीक है, 10 GB भी ठीक है, 15 GB भी ठीक है, बहुत ज्यादा जा रहा है 25 GB, 30 GB, 35 GB, 50 GB, तो फिर वो सही नहीं है, उतना जरूरत नहीं है उसको जाने की, बाकी ये फ्लक्चुएटिंग रहता है, और मेरे ख्याल से जो आपका यहाँ पे स्टोरेज का कोई भी इशू आपको देखने नहीं मिलेगा इस अपडेट में। अगली चीज है नेटवर्क परफॉर्मेंस, तो नया जो मोडेम अपडेट आया था इस वाले अपडेट के अंदर, उसके हिसाब से अगर देखा जाए या उसका जो परफॉर्मेंस देखा जाए, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है नेटवर्क रिलेटेड। वाईफाई कॉलिंग, सेलुलर डेटा, ब्लूटूथ, एयरड्रॉप, पर्सनल हॉटस्पॉट, ये सारी चीजें यूज की। कल मैंने पर्सनल हॉटस्पॉट भी यूज किया जब मुझे अपने मैकबुक को हॉटस्पॉट देना था व्हाइल आई वाज ट्रैवलिंग, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आई, सब चीज जो है फैंटास्टिक तरीके से काम कर रही है। एयरड्रॉप में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा, एयरड्रॉप का फेल होना, ये सारी चीजें होना कोई भी इशू नहीं, अगर होता तो जरूर मैं आपको बताता। अब रही बात एप्लीकेशन की, तो ऐप क्रैशिंग बिल्कुल भी नहीं हुई किसी भी एप्लीकेशन में, किसी भी एप्लीकेशन ने यहाँ पे जो है गलत तरीके से कोई भी परफॉर्मेंस नहीं दिया है या खराब परफॉर्मेंस नहीं दिया है। आप सोशल मीडिया इस्तेमाल
कर रहे हैं, सब कुछ प्रॉपरली आपका चलेगा। इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं उसमें भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। बैंकिंग एप्लीकेशन भी मैं यूज करता हूँ और ट्रेडिंग ऐप है अपना जो इन्वेस्टिंग के लिए यूज करते हैं, वो भी जो है कोई भी दिक्कत यहाँ पे क्रिएट नहीं कर रहा है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैमरा क्रैशिंग और ये सारी चीजें जो है कुछ भी हमको इस वाले अपडेट के अंदर देखने नहीं मिली है, तो ये भी सही है और एप्लीकेशन भी सही से परफॉर्म कर रहे हैं। कभी भी एक बात का ध्यान रखना, एप्लीकेशन अच्छे से परफॉर्म करने के लिए ऐप स्टोर में जाना होता है आपको। अभी देखिए आपके सामने करके बताता हूँ मैं, यहाँ पे अपनी फोटो पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे पुल डाउन कीजिए और यहाँ पे जो अपडेट्स आई है देखिए 53 एप्लीकेशन की अपडेट्स आई है, ये आपको कर लेना चाहिए। अगर आपके एप्लीकेशन में कुछ भी मैल फंक्शन होता है, कुछ भी जो है खराब परफॉर्मेंस होता है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन डेवलपर है वो ऐप अपडेट्स पुश करके उसको सॉल्व कर देते हैं। अगली चीज है ग्रीन स्क्रीन इशू। अब ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए जिनके फोन्स वारंटी में वो तो बिंदास अपडेट कर सकते हैं, जिनके नहीं है उनके लिए थोड़ी डरने वाली बात है, खास करके आईफोन 13 सीरीज के यूजर्स के लिए, ओलेड डिस्प्ले वाले यूजर्स के लिए, जनरली उनको ही आता है 13 प्रो मैक्स के अंदर, तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आपको हो सकती है। अभी तक एप्पल की तरफ से ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट है नहीं, हालांकि मैंने एप्पल स्टोर के सर्विस सेंटर से कंफर्म किया है कि अभी जो कंप्लेंट्स है ग्रीन स्क्रीन की वो पहले के मुकाबले काफी कम है, तो आप जो है अपने रिस्क पे कर सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से जो भी डिवाइसेस पे मैं टेस्ट करता हूं उसमें ग्रीन स्क्रीन का इशू मुझे देखने नहीं मिला है इस अपडेट के अंदर, लेकिन हो सकता है क्योंकि हुआ है लोगों के साथ ये प्रॉब्लम। अब यहाँ पे बात करते हैं इस अपडेट के सबसे बड़े फीचर के बारे में, जो है स्टोलन डिवाइस प्रोटेक्शन, और ये इस अपडेट का बहुत बड़ा फीचर है। अब ये क्या करता है, इसको ऑन रखना रिकमेंडेड है और इसके लिए अपडेट करना भी रिकमेंडेड है। ये आपके फोन पे एक लेयर लगा देता है सिक्योरिटी का, एक और लेयर, जिससे आपका फोन बहुत ज्यादा सिक्योर होता है। होता क्या है, आपने फोन लॉक किया, पब्लिक प्लेस में अनलॉक करने का कभी नहीं हुआ, आपने पासकोड एंटर किया फोन अनलॉक करने में, सपोज 0000 है आपका पासकोड, किसी ने देख लिया, डिफिकल्ट भी हो सकता है, किसी ने देख लिया, उसको रिकॉर्ड कर लिया या उसको नोट डाउन कर लिया, और उसके बाद आपके पासकोड को अपने पास रखते हुए आपका फोन चुरा लिया। अब आपके फोन के अंदर वो जा सकता था, जाकर आपकी एप्पल आईडी चेंज कर सकता था, पासवर्ड चेंज कर सकता था, बहुत कुछ कर सकता था, और फेस आईडी भी आपकी चेंज कर सकता था, पासकोड चेंज कर सकता था, लेकिन अब वो पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे पासकोड को टर्न ऑफ करना है, तब भी जो है फेस आईडी का इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पे बिल्कुल भी जो पासकोड एंटर करने का ऑप्शन आता था पहले वो नहीं आएगा अगर ये ऑन है तो। इसको आपको ऑफ करना है तब भी 1 घंटे का टाइम लगेगा, अगर पासकोड एंटर करते हुए फेस आईडी इन पासकोड में आके इसको ऑफ करना है तब भी 1 घंटे का टाइम मिलेगा, 1 घंटे के बाद ही जो है उसको ऑफ कर पाएगा, ये भी बात का ध्यान रखना। तो ये काफी अच्छे फीचर्स है। अगर यहाँ पे आपको ऑल्टरनेटिव अपीयरेंस सेट करना है, इसके लिए भी फेस आईडी लगेगी, अगर आप ये सेट करना चाहते तो कोई छुरा के ऑल्टरनेट अपीयरेंस भी सेट नहीं कर सकता, आपका फेस आईडी रिमूव नहीं कर सकता, बहुत लोग के सवाल थे, तो ये सारी बातें हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रख लेना कि ये काफी अच्छा फीचर है और इस फीचर के लिए जो अपडेट है मेरे तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, क्योंकि बाकी कोई प्रॉब्लम इस अपडेट में है नहीं, काफी फैंटास्टिक अपडेट है ये। क्या आपको iOS 17.3 पे अपडेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ग्रीन स्क्रीन को अगर साइड में रख देते हैं, अगर आपको वो डर नहीं है तो डेफिनेटली ऐसा कोई भी रीजन नहीं है कि आप iOS 17.3 के ऊपर अपडेट ना करें, बिल्कुल जाइए अपडेट कीजिए, काफी अच्छा अपडेट है। और फीचर्स के बारे में मैंने बात नहीं किया अभी क्योंकि पहले कर चुका हूं और वो इतने इंपॉर्टेंट फीचर्स है भी नहीं, जैसे नया वॉलपेपर आना या एयरप्ले होटल्स में चलना, क्योंकि सब होटल्स में चलेगा नहीं, या फिर कोई और फीचर जैसे एप्पल म्यूजिक वगैरह, वो तो सिर्फ नॉर्मल फीचर है। ये जो सबसे बड़ा फीचर है ये मुझे काफी सही लगा और ये एक्चुअल में एक सिक्योरिटी का लेयर लगा देता है, क्योंकि क्या होता है आपके फोन में आपके पासवर्ड स्टोर होते हैं, बैंकिंग पासवर्ड स्टोर होते हैं, ये भी कोई चोर चुरा के आपका बैंक भी पूरा साफ कर सकता है, सिर्फ फोन की बात नहीं है, आजकल बैंक अकाउंट भी अपने फोन नंबर से अपने फोन से जो है लिंक्ड होते हैं और वहां पे आप अपने इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड वगैरह सब स्टोर करते हैं, जिससे दिक्कत आपको आ सकती है, उससे बचाएगा ये डेफिनेटली आपको। तो काफी एक अमेजिंग फीचर यहाँ पे एप्पल ने इसमें इंक्लूड किया है। iOS 17.4 का बेटा 1 भी जो है रिलीज हो चुका है, तो वो भी जो है अपडेट के बेटा वर्जन के वीडियो में बनाते रहूंगा, वो भी आप लोग देखना। और यहाँ पे ये ऑरेंज कलर का मेरा सैमसंग S24 अल्ट्रा जो है वो भी रखा हुआ है, मैंने लिया है ताकि आप लोग इसका भी रिव्यू दे सकूं, कंपैरिजन वीडियोस वगैरह तो बनाते रहेंगे। फिलहाल इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो पहले कमेंट में लिंक पिन कर दूंगा, जाके देखना, समझना, सोचना क्या है इसके अंदर क्या नहीं है, क्योंकि मैं खुद खरीदता हूं इसको, तो बिल्कुल भी अनबायस्ड ओपिनियन मेरा रहता है और जो भी है मस्ती मजाक तो मैं करता हूं डेफिनेटली, लेकिन जो इसके बारे में सच है जैसे कैमरा के बारे में या AI फीचर्स के बारे में सब कुछ मैंने उसमें बताया। तो यही थी कहानी दोस्तों iOS 17.3 के रिव्यू की। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, पसंद शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।